हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीबॉडी। आज हम एक न्यू वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे जो आई है HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तरफ से। बहुत अच्छा कैसी वैकेंसी है, तो आप जरूर वीडियो को कंप्लीट देखिए। उसके बाद आपकी जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैच करती है तो आप जरूर अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे कोई भी तरफ सा एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ती हूँ। आगे बढ़ने पहले आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यदि हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आपके फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए वैकेंसी तरफ से आगे बढ़ते हूँ। देखते हैं कौन कौन का वैकेंसी, किस कितने वैकेंसी है। पहला तो इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो ऑनलाइन अप्लाई अप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 3 मार्च को ऑलरेडी हो चुकी है। 3 मार्च 2021 से स्टार्ट शुरू हो चुकी है। आप जो लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लीकेशन है वो 15 अप्रैल ही, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कौन कौन सा वैकेंसी यहाँ पे, ये मैं आपको पहले कह दूंगा, कहना चाहूँगा। तो वैकेंसी यहाँ पे इंजीनियर तरफ से, जो HPCL का इंजीनियर होती है, बहुत तो टॉप पोस्ट माना जाती है उसका, इंजीनियर का वैकेंसी यहाँ पे निकल कर आई है। कौन कौन सा इंजीनियर के लिए, यहाँ पे देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पोजिशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कुल वैकेंसी 120, जो कि मैक्सिमम एज 25 ईयर होना चाहिए आपको। इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफ क्या होना चाहिए ना, आपके पास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल और मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन में होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पोजीशन की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग, उसमें कुल मिलाकर 30 वैकेंसी यहाँ पे भी है। मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री इन सिविल होना चाहिए। मैं दोबारा भी कह रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए, सिर्फ सिर्फ फ्रेशर कैंडिडेट हो तो अप्लाई कर सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटेड मार्क को ध्यान से देखते जाइए, वीडियो की एंड में आप कम्प्लीटली जानकारी ले चुके हो। उसके बाद थर्ड पोजीशन की बात करिए तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कुल मिलाकर 25 वैकेंसी, और इंस्ट्रूमेंट्स इंजीनियरिंग यहाँ पे कुल मिला 25 वैकेंसी यहाँ पे भी है। मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। आपकी एजुकेशन क्वालिटी की बात करिए तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक ऑन इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुल टोटल वैकेंसी बात करिए तो यहाँ पे देख लीजिए कॉलम में आपकी टोटल वैकेंसी लिखा रखा है, तो टोटल 200 वैकेंसी, इसमें अनरिजर्व के लिए 93, EWS के लिए 20, OBC के लिए 49, ST के लिए 18, SC के लिए 20, ओके। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करिए तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मस्ट बी 4 ईयर फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री विच रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, जिसके पास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ तो शॉर्ट लिस्टिंग व सिलेक्शन प्रोसेस बात करिए तो यहाँ पे मल्टीपल तरफ से आपकी सिलेक्शन कराया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी CBT रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद ग्रुप टेस्ट, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। CBT में आपको क्या क्या क्वेश्चन आएंगे तो देख लीजिए, यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर लिया है। CBT में आपका जो जनरल एप्टीट्यूड भी आएगा, इंग्लिश क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। उसके बाद देखिए टेक्निकल व प्रोफेशनल नॉलेज में भी क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप टेस्ट वगैरह वगैरह भी होने वाली है। उसके बाद आगे बढ़ती हूँ, उसके बाद देखिए वेटेज कितना आपकी होना चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड में आपकी 85 वेटेज लिया जाएगा। उसके बाद ग्रुप टेस्ट के लिए 5% वेटेज, पर्सनल इंटरव्यू 10%, फाइनल स्कोरिंग तीनों स्टेज को मिलाकर आपको फाइनल स्टेज पर मेरिट बनेंगे। बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है क्योंकि मार्क में कंपनी में इतने वैकेंसी तो शायद नहीं आती है, तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा मौका आपके लिए HPCL में जॉब करने के लिए। सैलरी बात करें तो लगभग बेसिक पे देख लीजिए 50,000 से लेकर 1,60,000 आपकी सैलरी बनेंगे। आप यदि अनुअली बात करें तो लगभग 15 लाख आपका अनुअली मिलने वाली है। उसके साथ देखिए नोट में बहुत सारा अलाउंस आपके लिए, ड्रीम अलाउंस यहाँ पे लिखा रखा है, तो एक बार जरूर भी देख लीजिए। उसके बाद प्री मेडिकल एग्जाम भी आप कराए जाएंगे पोस्टिंग से पहले। प्लेसमेंट की बात करिए, प्लेसमेंट पोस्टिंग की बात करिए तो आपकी ऑल इंडिया में कोई भी पोस्टिंग हो सकती है, जिसमें HPCL रिफाइनरी हो, जिसमें HPCL का डिपार्टमेंट हो, ओके। तो उसके बाद एज रिलैक्सेशन SC ST OBC के लिए यहाँ पर भी अवेलेबल है, आप चाहे तो ले सकते हो, ओके। उसके बाद आगे बढ़ती हूँ, यहाँ पे देख लीजिए एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करिए। आपको मैं ध्यान सुनिए, आपको ऑनलाइन अप्लाई करने पड़ेंगे।
कैसे अप्लाई करेंगे? आपको पहले तो गूगल में जाकर www.hindustanpetroleum जो स्पेशल का ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाना है। उसके बाद कैरियर सेक्शन आपको उसमें क्लिक करना है। उसके बाद देखिए कैरियर सेक्शन में करंट ओपनिंग एक ऑप्शन आएंगे, उसमें आप क्लिक करके नई वैकेंसी बहुत सारा आएंगे, उसमें आप जो इंजीनियरिंग वैकेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ इंजीनियरिंग वाला वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।